Assalamualaikum student of class 4. I am your teacher from Nexus Schooling System. Today we learn Mathematics book of class 1. Now open your books and open the page number 51. In last video हमने page number 50 तक wind up किया था. आज हम page number 51 से पढ़ेंगे. Page number 51 पर आपके पास आपको ordinal numbers नज़र आ रहे होंगे. पेज नंबर 51 आपने ओपन करना है, उसके बाद ऑर्डिनल नंबर्स को देखना है. यहाँ आपके पास ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. मेरे साथ आप इसकी स्पेलिंग रीड करेंगे. एफ आई आर एस टी फर्स्ट, एस ई सी ओ एन डी सेकंड, टी एच आई आर डी थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब पहला, दूसरा और तीसरा. यहाँ आपके पास आपको नज़र आ रहा है ट्रेन बनी हुई है. आपके पास ट्रेन के बॉक्सेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. स्पेलिंग्स भी आपने रीड करनी है. एफ आई आर एस टी फर्स्ट, एस ई सी ओ एन डी सेकंड, टी एच आई आर डी थर्ड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स हैं हमारे पास. इनकी स्पेलिंग्स ये हैं. उसके बाद पेज नंबर 52 पर आ जाएं. पेज नंबर 52 पर आपको नज़र आ रहा है, आपके पास लिखा हुआ है, कलर द फर्स्ट एंड द थर्ड ट्री. बोला क्या है, पहले और थर्ड ट्री को हमने कलर करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ट्री में कलर करेंगे, उसके बाद हम थर्ड ट्री में कलर करेंगे. सेकंड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें सेकंड का नहीं कहा गया, क्वेश्चन में हमें सिर्फ फर्स्ट और थर्ड का कहा गया है. उसके बाद नेक्स्ट है कलर द सेकंड फ्लावर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कलर हमने कौन से फ्लावर में करना है, सेकंड में करना है, या आपने खुद से करने हैं. उसके बाद लिखा हुआ है कलर द फर्स्ट लीफ रेड. पहले लीफ को, पहले पत्ते को आपने रेड कलर करना है. कलर द सेकंड लीफ ग्रीन, दूसरे ग्रीन को, दूसरे लीफ को आपने ग्रीन कलर करना है. कलर द थर्ड लीफ येलो, और थर्ड वाले लीफ को आपने येलो कलर करना है. डिफरेंट कलर बताए हुए हैं इसमें आपको, आपने कलर्स वही करने हैं जो आपको क्वेश्चन में बोले गए हैं. उसके बाद पेज नंबर 53 पर आ जाएं. पेज नंबर 53 पर आपको हाफ का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि हाफ क्या है. ईच ऑफ टू इक्वल पार्ट इज़ अ हाफ ऑफ द होल. जब आपके पास एक चीज़ आपके पास कंप्लीट हो, जैसे आपके पास एक केक है और वो पूरा बना हुआ है, तो उसको आप हाफ कैसे करेंगे. किसी चीज़ के दो हिस्से करना हाफ कहलाता है. यहाँ हमारे पास केक है, हमने इसके हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, दो हिस्से हो गए, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया. उसके बाद यहाँ हमारे पास चॉकलेट है, चॉकलेट को हमने दो टुकड़ों में तकसीम किया, तो ये हमारे पास क्या बन गए, हाफ. यहाँ हमारे पास एक स्लाइस है, स्लाइस को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, तो स्लाइस क्या बन गई, हाफ. उसके बाद पेज नंबर 54 पर आ जाएं. पेज नंबर 54 पर आपके पास कहा गया है कलर हाफ ऑफ द शेप. कलर करना है हमने सिर्फ हाफ में, मतलब आधे हिस्से में. एक आपके पास हुआ हुआ है, दूसरा आपके पास हुआ हुआ है, तीसरा आपने खुद करना है, ये पूरा है, सिर्फ आप हाफ में कलर करेंगे. हाफ में ही आपने कलर करना है, हाफ हिस्से में, आधे हिस्से में कलर करना है, इसमें भी आपने आधे हिस्से में कलर करना है. इसके बाद ड्रॉ अ लाइन टू कट द शेप इनटू हाफ कलर, ईच हाफ डिफरेंट कलर. हमने हाफ खुद बनाना है, लाइन ड्रॉ करनी है बीच में, हाफ बनाएंगे हम, या आपने खुद से करनी है बीच में लाइन ड्रॉ करके, उसमें हाफ में सिर्फ आपने कलर करना है. उसके बाद पेज नंबर 55 पर आप देख सकते हैं. पेज नंबर 55 पर आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑपरेशंस. नंबर ऑपरेशंस में हमारे पास सबसे पहले है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड ड्रॉ द टोटल नंबर ऑफ थिंग्स. सबसे पहले हमें इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और ये खुद से भी ड्रॉ करनी है. सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ आपके पास बनानास बने हुए हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर भी 3 हैं, और यहाँ आपके पास अलग अलग बने हुए हैं, और यहाँ आपके पास सिक्वेंस में बने हुए हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप पेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ आपके पास अलग अलग बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 पेयर्स आप एक ही लाइन में बनाएंगे. यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 5 पेयर्स आपने एक ही लाइन में बनाना है. उसके बाद यहाँ आपके पास ऑरेंजेस दी हुई हैं, काउंट करें मेरे साथ कितनी ऑरेंजेस हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5.
फाइव ऑरेंजेस आपको सिक्वेंस से बनानी है और यहाँ पर भी फाइव ऑरेंजेस आपको सिक्वेंस से बनानी है। इसके बाद पेज नंबर 56 पर आपके पास है एडिशन। सिंबल प्लस इज यूज फॉर एडिशन, कलर काउंट एंड राइट हाउ मैनी ऑल टुगेदर। एडिशन मतलब जमा करना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडिशन हम किसे कहते हैं, जमा करने को कहते हैं। हमारे पास यहाँ कार है, यहाँ पर भी कार है, वन कार यहाँ है, वन कार यहाँ है, और यहाँ हमारे पास कितने कार्स हो गए, टू। मतलब वन में जब हमने वन प्लस किया तो हमारे पास क्या बना, टू बन गया। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास टू टोमेटोज़ हैं और यहाँ हमारे पास वन है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वन टू टू, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, वन। तो जब इन वन टू इनको दो यहाँ को हमने रखा और एक वन यहाँ रखा, तो हम इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री। चीज़ों को आपस में जमा करना क्या कहलाता है, एडिशन। यहाँ हमारे पास वन टू टू फिशेज़ हैं, यहाँ हमारे पास वन टू टू फिशेज़ हैं, काउंट करेंगे हम टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो हमारे पास यहाँ क्या बना, फोर। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर, यहाँ पेंसिल्स काउंट करेंगे, यहाँ हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, वन टू थ्री, यहाँ हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, वन टू। इनको एक साथ काउंट करने के बाद हमें क्या मिलेंगी, वन टू थ्री फोर फाइव। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एडिशन के सॉल्व करके दिखा दिए हैं, इनमें कलर्स आपने ख़ुद से करने हैं और अपनी बुक में भी ये काम खुद से करना है। उसके बाद पेज नंबर 57 पर आप देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ है हाउ मैनी ऑल टुगेदर। दोबारा इसमें भी हमने जमा ही करना है, चीज़ों को आपस में जमा करना एडिशन कहलाता है, प्लस करना। सबसे पहले यहाँ हमारे पास थ्री मैथ बुक है, यहाँ पर भी हमारे पास थ्री मैथ बुक है, थ्री को हमने थ्री में प्लस किया, हमारे पास सिक्स हो गया। यहाँ हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, हमने फाइव लिखा। उसके बाद हमारे पास यहाँ कितनी पेंसिल्स हैं, वन टू थ्री, थ्री पेंसिल्स हैं, यहाँ हमने थ्री लिख दिया। जब हम फाइव में थ्री प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जब इन सबको काउंट एक साथ करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फाइव में जब हम थ्री प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितनी चेयर्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर हमने यहाँ लिखा, वन टू थ्री फोर, फोर हमने यहाँ लिखा। जब हम इन सबको एक साथ काउंट करेंगे तो हमें आंसर इसका मिल जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। फोर में फोर प्लस करने के बाद एट आंसर हमें मिला। ये क्वेश्चन भी दो सेम इसी तरीके से होंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ था, दो मैंने आपको करके दिखा दिए, बाकी दो आपने खुद से करने हैं। इसके बाद पेज नंबर 58 पर आ जाएं। पेज नंबर 58 पर आपको एडिंग ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एडिंग ज़ीरो किस तरीके से होता है। काउंट ऐड एंड राइट, काउंट करेंगे, ऐड करेंगे और राइट करेंगे। यहाँ आपको आपके पास प्लेट में आपको कितने एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, वन टू थ्री, यहाँ हमने थ्री लिख दिया। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या आएगा, ज़ीरो। जब हम थ्री में ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, थ्री ही मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं, वन टू थ्री फोर, फोर फ्लावर्स हैं, और यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो। फोर में जब हम ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फोर ही मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ कुछ भी नहीं हो वहाँ हम ज़ीरो लगा देंगे। इसके बाद पेज नंबर 59 पर आप देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ है एडिंग ऑफ नंबर, हाउ मच मोर टू मेक 10। यहाँ हमें 10 बनाना है। जब हमारे पास सबसे पहले 8 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, ब्रेक खाली है लाइन, उसके बाद इज इक्वल 10 लिखा हुआ है, पूछा गया है कि 8 में हम कितने नंबर्स को ऐड करेंगे जो हमें आंसर 2 मिलेगा। अब आप खुद देखेंगे 8 में हम क्या ऐड करेंगे जो हमें आंसर 10 मिलेगा, मतलब 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 8 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पूछा गया है कि 3 में हम ऐसा कौन सा डिजिट, ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे जो हमें आंसर 10 मिलेगा। जी तो 3 में हम जब 7 ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। नंबर्स को आपने सही से देखना है कि आपके पास कौन सा डिजिट दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जो 10 मिलेगा।
आप खुद से काउंट कर सकते हैं, 5 में हम 5 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपके पास लिखा हुआ है हाउ मच मोर टू मेक 20। इसमें भी हमें इसी तरीके से करना है कि 12 में हम ऐसा कौन सा डिजिट मिलाएंगे जो हमें 20 मिल जाएगा, 12 में हम 8 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इसी तरीके से पूछा गया है कि 1 में हम ऐसा कौन सा डिजिट, ऐसा कौन सा नंबर लगाएं जो हमारे पास अमाउंट जो है वो 20 आ जाए। तो 1 में जब हम 198 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। दो क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा दिए, बाकी क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, सही से नंबर्स को देखना है। यहाँ आपके पास 13 लिखा हुआ है तो 13 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जो हमें आंसर 20 मिलेगा। क्वेश्चंस को अच्छे से देख के, अच्छे से पढ़ के फिर से करना है। उसके बाद पेज नंबर 60 पर आ जाएं। पेज नंबर 60 पर आपके पास लिखा हुआ है फिलिंग द मिसिंग नंबर्स, जो नंबर्स मिस हैं उनको फिल करना है। तो यहाँ से क्या मिस है, 9 प्लस बॉक्स इज इक्वल 10। पूछा गया है कि हम 9 में ऐसा क्या मिलाएंगे जो हमें आंसर 10 मिलेगा, 1। 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स प्लस 18 इज इक्वल 18। बोला गया है कि हम 18 में ऐसा कौन सा डिजिट प्लस करेंगे जो आंसर हमारे पास 18 ही आएगा। तो 18 में हम जब 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 18 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बॉक्स प्लस 7 इज इक्वल 11। बोला गया है 7 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे जो हमें आंसर 11 मिलेगा। 7 में आप खुद देखेंगे हम क्या ऐड कर सकते हैं, यहाँ 7 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 11। डिजिट्स को सही से देखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्लस है, सिर्फ जमा करना है, जमा करके इस चीज़ को खेलना है और उनका आंसर हमें मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 61 पर आपके पास लिखा हुआ है ड्रॉ एंड राइट द नंबर। ड्रॉ करें और नंबर्स को लिखें। सबसे पहले यहाँ हमारे पास कितने स्टार्स हैं काउंट करें, 1 2 3 3। उसके बाद कितने स्टार्स हैं, 1 2 2। जब 3 में हमने 2 प्लस किए तो हमें क्या मिले, 5। 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ हमारे पास कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ हमने 3 सर्कल्स खुद ड्रॉ करने हैं, 1 2 3। जब हमने 6 में 3 ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिल गया। अब यहाँ देखेंगे हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर, यहाँ ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल्स हैं। और यहाँ कितने हैं, 1। 8 में जब हम 1 प्लस करेंगे आंसर हमारे पास 9 आएगा। तो यहाँ हम कितने ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे, 9 ट्राइंगल्स आपने खुद से ड्रॉ करने हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है खाली जगह दी हुई है। उसके बाद यहाँ हमारे पास 4 फ्लावर्स हैं और यहाँ हमारे पास 7 फ्लावर्स हैं। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे जो हमारे पास आंसर 7 आएगा, मतलब यहाँ हम 3 फ्लावर्स और ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 7 आ जाएगा। आपने ख़ुद से यहाँ ड्रॉ करना है। उसके बाद पेज नंबर 62 पर आ जाएं। पेज नंबर 62 पर आपके पास है सब्ट्रैक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब काटना किसी वैल्यू में से। अगर आपकी अम्मी ने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं और आपसे कहा है कि 5 रुपये जो है वो आपको आपके भाई को देने हैं, तो आपके पास कितना बचा, 10 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 रुपीज़ बचेंगे। नंबर्स में से कुछ को काटना, कुछ नंबर्स को काटना हमारे पास सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। सिंबल माइनस इज यूज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हम माइनस भी कहते हैं। ड्रॉ हाउ मैनी आर लेफ्ट, अब देखेंगे कि यहाँ कितने लेफ्ट हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास कितने बनानास हैं, आपके बाबा जो है वो 5 बनानास लाए, 1 2 3 4 5, 5 बनानास लाए। उसमें से 2 किसने खा लिए, आपके भाई ने खा लिए। अब आपके पास कितने बचे, 3 बचे। इसके बाद आपके गार्डन में 3 फ्लावर्स हैं, एक जो है वो टूट गया, आपके पास कितने फ्लावर्स बचे, 2। तो यहाँ आपने 2 फ्लावर्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपने डिजिट्स इनको काटना है और जितना बचेगा आपके पास आपने वो ड्रॉ यहाँ कर देना है। अगर यहाँ आपके पास 2 काटे हुए हैं तो आपके पास कितने बचेंगे, 5 में से 2 जब आप काट देंगे तो आपके पास 3 बचेंगे, तो यहाँ आप 3 ड्रॉ कर देंगे।
इसी तरीके से ये भी आप करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 63 पर भी आपके पास कॉन्सेप्ट यही दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन का, कि सब्ट्रैक्शन क्या है, हाउ मैनी आर लेफ्ट, राइट द नंबर, कितना बचेगा उनका नंबर लिखना है हमारे पास। आपके पास हैं 5 eggs, 5 eggs हैं आपके पास, और एक आपके भाई ने खा लिया, 4 जो है वो आपने खोल दिए, तो कितने बचे, 1 बचे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ आपके पास 2 circles बने हुए हैं, एक सर्कल को काट दिया है, 1, 2, 2 ऊपर लिखा हुआ है, एक जब आपके पास गायब हो गया तो आपके पास कितना बचा, 1। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर, काउंट विथ मी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपने ऊपर लिखा। उसके बाद आपके पास कितने स्टार्स जो है वो काट दिए हैं, 1, 2, 3, 3 आपने नीचे लिखा। जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा, कितने स्टार्स बचे हैं, 1, 2, 2 स्टार्स बचे हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2। इसके बाद हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 4 फ्लावर्स हैं हमारे पास, 2 जो है वो हमने यहाँ से हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 2। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे, माइनस करना है जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है, सेम ऐसे ही। इसके बाद पेज नंबर 64 पर आ जाएं। पेज नंबर 64 पर आपके पास हाउ मैनी आर लेफ्ट, ये आपने खुद से करना है, मैंने आपको पीछे काम समझा दिया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही माइनस करना है, जितने आपके पास कटे हुए होंगे उसके बाद जितने बचेंगे वो आपका आंसर होगा। यहाँ आप काउंट करके ऊपर आपके पास लिखे हुए हैं, नीचे भी आपके पास लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हुआ हुआ है, बाकी नेक्स्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th आपने खुद से करने हैं। पहले आप देखेंगे कितने हैं, ऊपर लिखा हुआ होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से काटे आपने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 यहाँ से कट गए, तो कितने बचे, 2, आंसर क्या आएगा, 2। इसी तरीके से ये तो 3 क्वेश्चंस भी आपने खुद से करने हैं। उसके बाद पेज नंबर 65 पर आपके पास लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टिंग 0। यहाँ आपके पास 0 का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि 0 क्या है, जैसा कि आपने एडिशन में पढ़ा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 0 होता है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्टिंग 0, काउंट, सब्ट्रैक्ट एंड राइट, सब्ट्रैक्ट करना है इनमें से 0 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से जब आप 0 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 6 ही, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से यहाँ आपके पास 1, 2, 3 है, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे, जब हम इसमें से हम 0 काटेंगे, मतलब कुछ भी नहीं काटेंगे, तो हमारे पास 1, 2, 3, 3 ही बचेगा। जब कुछ भी नहीं काटा, इसका मतलब 0 काटा है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। ये 2 क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, एक मैंने आपको करके दिखा दिया है। उसके बाद पेज नंबर 66 पर आ जाएं। पेज नंबर 66 पर आपके पास है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ नंबर, फिलिंग द मिसिंग नंबर, नंबर्स को जो नंबर मिस हैं उनको फिल करना है। 8 - box = 7 बोला गया है कि 8 में से हम ऐसी कौन सी वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे जो हमारे पास आंसर 7 आएगा। अगर आपके पास 8 पेंसिल्स हैं और 8 पेंसिल्स में से आपने 7 पेंसिल्स अपने कज़न को दे दी या भाई को दे दी, तो आपके पास कितनी पेंसिल बचेंगी, 1 बचेंगी। मतलब जब हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 - box = 1 बोला गया है कि 3 में से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे जो हमारे पास 1 आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 apples हैं और 3 apples में से आपने 1 apple खुद खाया और आपके पास कितने apples बचेंगे, 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2। सब्ट्रैक्शन का यही मतलब है काटना वैल्यूज़ को। अब यहाँ आप देखेंगे कि 6 में से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे जो 2 आएगा, 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सब्ट्रैक्ट करके, काट के, माइनस करके। नेक्स्ट पेज पर आपके पास, पेज नंबर 67 पर आपके पास है ड्रॉ एंड राइट द नंबर, ड्रॉ करना है और नंबर लिखना है। यहाँ आपके पास 1, 2, 3, 4 सर्कल्स हैं, यहाँ आपके पास 1, 2, 3 सर्कल्स हैं, 4 में से जब हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, 1। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स हैं, 5 में से जब हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, 4। यहाँ आप 4 स्टार्स ड्रॉ कर देंगे। 4 स्टार्स ड्रॉ करने के बाद नीचे आप स्पून्स काउट करेंगे कि स्पून्स हमारे पास कितने हैं।
स्पून हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है, और 10 में से जब हमने 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। यहाँ आप 2 स्पून ड्रॉ करेंगे और यहाँ आप 2 लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 68 पर है आपके पास रिवीजन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट के एक साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है सबसे पहले 3 और उसके बाद 2। एडिशन का याद रखें, एडिशन का साइन ये है, मतलब जमा करने का साइन ये है, और काटना मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करने का साइन हमारे पास ये है। सब साइंस का हमेशा ख्याल करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 3 में जब हमने 2 प्लस किया, 1, 2, 3, 3 नीचे क्या है, 2, 1, 2, 3 में जब हमने 2 प्लस किया, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास आंसर क्या आया, 5। एक क्वेश्चन मैंने आपको एडिशन का करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन मैं आपको सब्ट्रैक्ट का करके दिखाऊंगी। यहाँ हमारे पास 9 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में से हमें माइनस कितने करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4। एक क्वेश्चन आपके पास एडिशन का सॉल्व करके दिखाया है मैंने, एक क्वेश्चन मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का सॉल्व करके दिखाया है, बाकी क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं साइंस का ख्याल रखते हुए। इसके बाद पेज नंबर 69 पर आपके पास है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टेंस एंड यूनिट। ऐड टेंस एंड यूनिट, टेंस और यूनिट्स को हमने ऐड करना है, प्लस करना है, जैसे हमने ये किया था बिल्कुल इसी तरीके से ये भी आप खुद से करेंगे। यहाँ मैं आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, ये क्वेश्चन आपने खुद से करना है, प्लस करना है, जमा करना है। उसके बाद पेज नंबर 70 पर आपके पास है ऐड टेंस एंड यूनिट। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरीके से पीछे आपने ऐड किया है, मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगी, ये आपका होम असाइनमेंट है। पेज नंबर 66 है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपने खुद करने हैं। पेज नंबर 70, पेज नंबर 71 एडिशन है, प्लस है। यहाँ आपके पास पेज नंबर 72 पर सब्ट्रैक्ट टेंस एंड यूनिट है, माइनस करना है मतलब काटना है। पेज नंबर 72, पेज नंबर 73 पर भी सेम ऐसे ही है, काटना है डिजिट्स में से डिजिट्स को। उसके बाद पेज नंबर 74 पर भी आपके पास रिवीजन है, प्लस और माइनस के साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा नहीं रही हूँ अभी, आपने खुद से करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पीछे समझा दिए हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए आपने सही से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको पेज नंबर 51 से पेज नंबर 74 तक सब समझ आया होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा यूनिट 3 होगा, मेजरमेंट। थैंक यू सो मच।